आज दुनिया एकजुट हो रही है कोरोना को हराने के लिए, कल यही दुनिया एकजुट होगी चीन को हराने के लिए। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश तो चीन की हेकड़ी निकालने के लिए पहले ही एक साथ हो लिए हैं, पर चीन कुछ कर पाता उससे पहले ही वो अपने जाल में खुद फंस गया है। दरअसल दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन कर्ज नीति को अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वह छोटे देशों को विकास के नाम पर कर्ज देता है, उन्हें अपना कर्जदाता बनाता है और बाद में उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। हालांकि अपनी कर्ज नीति के इस जाल में अब वह खुद फंसता दिखाई दे रहा है। चीन ने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को कर्ज दिया है, इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। लेकिन अब उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है और ना ही संपत्ति कब्जा करने के उसके मंसूबे सफल हो रहे हैं। पाकिस्तान लगातार कर्ज अदायगी में टालमटोल कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चाहता है कि कर्ज अदायगी के लिए 10 साल का और समय दिया जाए। बीजिंग भले ही इसके पक्ष में ना हो, लेकिन उसे पाकिस्तान की ये बात तो माननी ही होगी, क्योंकि इस्लामाबाद से उसके कई रणनीतिक हित जुड़े हैं और आर्थिक नुकसान के लिए वह इसकी बलि भी दे सकता है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि चीन पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान चीन को नचा रहा है। यहाँ चीन की पावर भी कोई काम नहीं आ रही है। समस्या केवल पाकिस्तान के मोर्चे पर ही नहीं है, अन्य देश भी फिलहाल कर्ज चुकाने में असमर्थता जता चुके हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए चीन ने 77 देशों से कर्ज अदायगी को भी रोक दिया है। इसमें से 40 अकेले देश अफ्रीकी हैं। दरअसल चीन इन देशों की आर्थिक स्थिति से अच्छे से वाकिफ है, वो जानता है कि उसे अपना कर्ज तुरंत वापस नहीं मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन को दूसरे देशों से जो रकम वापस लेनी है वो बढ़कर अब $5 ट्रिलियन से अधिक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होने की भी संभावना है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन खुद अपने जाल में फंसता जा रहा है। कोरोना संकट ने अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है, ऐसे में चीन को अपने पैसे वापस मिलने की संभावना और भी कम हो गई है। और यहाँ पर चीन के धड़ाधड़ कर्ज बांटने और उसकी अदायगी नहीं होने के चलते बीजिंग को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर अमेरिका, जर्मनी की कई शोध संस्थाओं ने चीन की इसी कर्ज नीति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर 2018 के बीच में देशों पर चीन का कर्ज $500 अरब से बढ़कर $5 ट्रिलियन हो गया है। आज के हिसाब से $5 ट्रिलियन यानी कि 375 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट कहती है कि चीन और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन यानी कि 112,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश है। कितना कर्ज तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया है, दोनों ने $200 अरब यानी कि 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया की जीडीपी का 6% के बराबर कर्ज चीन दूसरे देशों को दे चुका है। अब यहाँ भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि जो देश चीन के कर्ज में डूब रहे हैं भारत उनके साथ अच्छे संबंध बना सकता है उनकी फाइनेंशियल हेल्प करके, जिससे भारत चीन के प्रोजेक्ट्स में अपना काम निकलवा सकता है। और इसमें चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर चीन भारत को रोकता भी है तो कर्ज का भुगतान खुद चीन को ही करना होगा, जिससे चीन की इकोनॉमी डूबने की कगार पर आ जाएगी। यानी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, यानी कि दोनों ही सूरत में चीन की हालत खराब होने वाली है।